नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि ऐतिहासिक इमारतों को धार्मिक मुद्दों से जोड़कर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जाती है, और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व ही कई धार्मिक स्थलों के नामों के बदलाव को लेकर या धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर चर्चित है। तो वहीं बुलडोजर वाली राजनीति, एनकाउंटर वाली राजनीति भी सुर्खियों में है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, उसी पर एक बड़ा हमला होता हुआ नजर आया है। दरअसल बात की जा रही है ताजमहल की। ताजमहल में दो युवक घुसते हैं और एक ऐसे घटना को अंजाम देते हैं जिसके बाद माहौल विवादित हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल में हिंदू संगठन के दो युवकों ने गंगा जल चढ़ाया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। हिंदुवादी युवक पानी की बोतल में गंगा जल भरकर ले गए थे और ताजमहल के अंदर जाकर गंगा जल चढ़ा रहे थे। ताजमहल के अंदर पहुंचे दोनों युवकों ने बोतल में भरा हुआ गंगा जल पहले दिखाते हुए नजर आए और उसके बाद अंदर जाकर गंगा जल चढ़ाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ये वीडियो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दावा किया गया है कि दोनों युवकों ने तेजो मोहल्ले में गंगा जल चढ़ाया है, ना कि ताजमहल पर। आपको बता दें कि एक लीटर की बोतल में गंगा जल लेकर आए और ताजमहल पर उन्होंने चढ़ा दिया, क्योंकि दावा वो यहाँ पर कर रहे हैं कि तेजो मोहल्ले शिव मंदिर है वो। और गंगा जल लेकर ताजमहल के अंदर पहुंचे दोनों युवकों ने पहला पूरा वीडियो बनाया और उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि एक युवक बोतल को कंधे पर लेकर चल रहा है जिसमें गंगा जल है, जिसके बाद दोनों युवक चलते हैं, एक वीडियो बनाता है और मुख्य मकबरे तक पहुंचने के बाद थैकाने के पास खड़े होकर दूसरा गंगा जल छिड़कता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद इन दोनों युवकों पर एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, CISF ने दोनों युवकों को पकड़ लिया है। दोनों युवकों को पकड़कर थाना ताजगंज पुलिस को सौंप दिया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये जलाभिषेक है और ये तेजो मोहल्ले शिव मंदिर है। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है और इसी दावे के साथ ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रहा है, क्या इसमें अब कोई राजनीतिक रंग दिया जाएगा या यही वीडियो के माध्यम से माहौल उत्तर प्रदेश में बिगड़ता हुआ नजर आएगा या फिर शांत हो जाएगा।